हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने फ्रूट जूस का जो 1 लीटर का पैकेट होता है उसका इस्तेमाल किया है और इससे मैंने एक खूबसूरत सा वास बनाया है और इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने लिप्पन आर्ट का भी इस्तेमाल किया है। आगे आप देख लेना। तो सबसे पहले तो जूस के पैकेट को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद मैंने ऊपर का पार्ट को हटा दिया और अब उसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर चिपकाऊंगी। तो उसके लिए मैंने फेविकोल और वाटर का मिक्सचर बनाया है। 1 चम्मच फेविकोल और 1 चम्मच वाटर ले लो और उसे अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद ब्रश की मदद से उस पैकेट पे मैंने 3 से 4 लेयर चिपकाया है टिश्यू पेपर का। ये देखो किस तरह से मैंने चिपकाया है, सीधा सीधा करके ही चिपकाना है। ये देखिए, अब नीचे के पार्ट पे भी अच्छे से 1 लेयर चिपका देना है ताकि वो बेस जो है सीधा रहे उसका। तीन से चार लेयर चिपकाओगे तब जाकर थोड़ा अच्छा बेस बनेगा। मैंने भी 4-5 लेयर चिपका दिए हैं इसके। टिश्यू पेपर चिपकाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना होगा करीब 3 से 4 घंटे। जब ये सूख जाएगा तो उसके ऊपर हमें वाल पुट्टी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, मैंने करीब अंदाज से 2 से 3 चम्मच वाल पुट्टी लिया है और 1 चम्मच फेविकोल और थोड़ा सा पानी और एक लिक्विड बना लिया, उसका गाढ़ा सा पेस्ट है। उसे अच्छे से मिला लीजिए, फेविकोल उसमें अच्छे से मिल जाना चाहिए। और अब सूखने के बाद उसके ऊपर ब्रश की मदद से इसका 1 लेयर चढ़ाना है। देखिए मैंने किस तरह से इसके ऊपर ब्रश की मदद से लेयर चढ़ाया है। अब इसे भी करीब 5 से 6 घंटे सूखने के लिए छोड़ना होगा। वाल पुट्टी का लेयर चढ़ाने से एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है जिसके ऊपर आराम से आप पेंट कर सकते हो कोई भी कलर। अब ये देखो, इसे मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया करीब करीब 5 से 6 घंटे के लिए। जब ये पूरी तरह सूख गया तो इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर किया है। आप अपनी फेवरेट कलर का इस्तेमाल कर लो, मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया था। ये देखो, ये मैंने इसे पूरी तरह से कलर कर दिया। अब इस पर मुझे लिप्पन आर्ट बनाना है तो मैं एक डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ पेन की मदद से। आप कोई भी मनपसंद डिज़ाइन तैयार कर लो, ऑनलाइन बहुत सारे डिज़ाइन हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो सिरेमिक कोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फेविक्रिल की मोल्डिट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फेविक्रिल की मोल्डिट का ही इस्तेमाल किया है। इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप परचेज कर सकते हो उस लिंक के थ्रू। पहले लाइन पे मैंने फेविकोल लगा दिया और उसके बाद ये देखो मोल्डिट में एक्चुअली 2 पार्ट हैं, दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट लेना है और उन्हें अच्छे से मिक्स करके यूज करना है। ये देखो मैंने डोरी जैसी बनाई है और उसे फेविकोल पे चिपका दिया। सिरेमिक कोन होता तो ज़्यादा इजीली बन जाता,
लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने मोल्डिट का इस्तेमाल किया। अब उस पर हल्का हल्का मैंने कट कट का मार्क दिया है, काटा नहीं है, बस हल्का सा मार्क दिया है। और मैं डिज़ाइन जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे मैं उस पर फेविकोल लगाकर ऐसे ही पतली पतली डोरी बनाकर मोल्डिट से चिपकाती चली जाऊंगी। ये देखिए, फेविक्रिल मोल्डिट को इस्तेमाल करने के समय एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे मिक्सचर को एक साथ नहीं मिला लेना है, क्योंकि ये थोड़ी ही देर में सूख जाता है। तो थोड़े थोड़े पार्ट लेकर के ही मिक्स करो और यूज़ करो, फिर घट जाए तो फिर थोड़े से पार्ट लेकर मिक्स करके यूज़ कर लो। ये देखो मैं डिज़ाइन पे कैसे डोरी बना बना कर फेविकोल की मदद से चिपकाती जा रही हूँ। मैं सिरेमिक कोन का भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो सिरेमिक कोन इस्तेमाल करो, वो इजी होता है थोड़ा। वो कोन से कोन में बना बनाया मिक्सचर होता है, आप बस मेहंदी के डिज़ाइन के तरह उसे चलाते जाओ। अब मैं यहाँ पे मिरर चिपका रही हूँ, ये देखो मैंने बीच में मिरर चिपका दिए। आप जैसे चाहो वैसे सजाओ, आपके पास जो भी सामान हो उसका इस्तेमाल करो। मिरर नहीं हो तो अल्मोनियम फॉइल कट करके लगा लो। आपके पास घर में जो भी सामान है उसका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस पर पेंट कर सकते हो, जूस के पैकेट्स पे बेस बना लो, उसके बाद उसके ऊपर सुंदर सी पेंटिंग कर लो, डिज़ाइन बना लो कुछ भी। मैंने लिप्पन आर्ट का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये देखिए, उसके बाद मैंने बीच वाले पार्ट में ऑरेंज कलर से कलर कर दिया है, और वो जो मैंने स्ट्राइप्स बनाए थे मोल्डिट की मदद से, जो मैंने स्ट्राइप बनाए हैं उसको भी मैं पतले ब्रश से पेंट कर रही हूँ। ये देखिए, अंदर में मैंने थोड़ा सा बॉर्डर सा दे दिया ताकि वो देखने में खराब नहीं लगे, और साइड में भी मैंने थोड़े से डिजाइन बना दिए हैं। ये देखिए तो कैसा लगा ये। और अब मैं यहाँ पे इसमें फ्लावर्स के जगह पे मैं लिपसी बनाने वाली हूँ। ये देखो मेरे पास ये पैकेट पड़ा था ब्राउन एनवेलप का, उस पर लिखा हुआ भी है कि अर्थ को बचाना है, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है रिसाइकलिंग के लिए। पहले एक लंबा सा टुकड़ा मैंने कट किया और उसे फोल्ड कर लिया, और यहाँ पे मैं लीफ थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाने वाली हूँ। ये जो है ये स्टिक का काम करेगा, ये जो मैंने अभी दिखाया ये स्टिक का काम करेगा। और ये देखो लीफ बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे बड़ा पीस चाहिए पत्ते वाला। पिछली वीडियो में मैंने तो लीफ बनाना सिखाया ही है, ये देखो मैंने कितने लंबे लंबे टुकड़े लिए हैं। इस बार मैं पहले साइड वाले पत्ते को पहले चिपका लिया है, आप चाहो जैसे वैसे चिपकाओ, बाद में भी चिपका सकते हो। मैंने सुविधा के लिए पहले साइड वाले पत्तों को चिपका लिया है, और अब देखो उस पर मैं कैसे चिपका रही हूँ। पहले एक पत्ता कट करके चिपका लिया, ये देखिए बड़े, इस बार मैंने बड़े बड़े लीफ्स बनाए हैं।
ये देखिए बड़े बड़े टुकड़े का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो ये थोड़ा बड़ा सा लीफ तैयार हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग इसी तरह के होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाते रहें वेस्ट मटेरियल से। इसमें एक दो और मैं बनाकर डालूंगी। तो मैंने ब्राउन पेपर से ही रोल बना लिया है जैसा कि आप देख रहे हो। फिर एक लीफ मैंने ऊपर वाले पार्ट में चिपकाया और फिर एक और, मैं बस इसमें मैंने तीन लीफ का ही इस्तेमाल किया है। ये देखो, एक सिंगल और एक डबल, बस जिससे तीन पत्ते बनकर निकल आए। आप ऐसे तीन पत्ते वाले लीफ भी बना करके ढेर सारे अपने वास में सजा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।